हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोर क्लासेस के एक और नए वीडियो पे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी। इसमें हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को कुछ भी क्वेरी करना होगा, आपके स्क्रीन पर नंबर दे रहा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़िए। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 50 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। 3 सेकंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है। यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। अगर 10 सेंटीमीटर तक समतल दर्पण को घुमा 10 डिग्री तक घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितनी घूमेगी, ये चीज़ बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन। एक समतल दर्पण 36 से 30 डिग्री कोण बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण पर परावर्तित किरण के मध्य कोण बनेगा। तो कितना कोण बनेगा? क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार रिपीट कर करके पढ़िएगा तो समझ में आएगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? कौन सा ऐसा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। ये चीज़ आप लोगों को याद कर लेनी है क्योंकि बहुत कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, रट लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर चला आ रहा है। 7 सेकंड बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी होगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा बताइएगा, उसके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो ला करके आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि सारे न्यूमेरिकल पीडीएफ में सॉल्व कराना मुश्किल है, इसलिए जो क्वेश्चन फंसेंगे वही पूछिएगा। ठीक है, अगला को कमेंट में करके बता दीजिएगा, मैं वो उस क्वेश्चन का वीडियो ला दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी बनता है, ए वाला। ठीक है, आभासी बनता है। अगला देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलिए पढ़िए। सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। सूर्य का प्रकाश अगर कमरे में नहीं पहुंचता है, तो आप लोग देखे होंगे सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं रह पहुंचता है, लेकिन फिर भी कमरे में रोशनी रहती है, ऐसा क्या कारण है? कोई बताएगा? प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण? इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है इसमें जो इसको सेटिस्फाइड कर दे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट नंबर। एक मनुष्य की लंबाई 1 मिनट, 7th का, हाँ ठीक है। एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई लेनी होगी। अगर कोई मनुष्य 1.4 मीटर का है तो उसको अपना पूरा शरीर दर्पण में, शीशे में देखने के लिए दर्पण कितना लंबा लेना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 0.7 मीटर, अपना आधा लेना रहता है। ठीक है, अगर आप 5 फुट के हैं तो आपको 2.5 फुट का मिरर लेना होगा, अगर आप 10 फुट के हैं तो आपको 5 फुट का मिरर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन, 9th नंबर। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन हमेशा एक होता है? बताएगा कोई? समतल। 9th का क्या हो जाएगा? सी वाला, समतल दर्पण का जो वो होता है, समतल दर्पण जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो उसका आवर्धन सदैव एक होता है। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए। 10th नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता कैसे लगाया जा सकता है? वस्तु को अंधकार में रखकर। 10th का क्या हो जाएगा? सी वाला, वस्तु को अंधकार में रखकर। अब 11th नंबर क्वेश्चन। किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन इसका क्या हो जाएगा? केवल नीचे वाले तल से होगा, बी वाला, केवल नीचे वाले तल से होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। न्यूमेरिकल इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं आंसर बता दूंगा। एक मोटर चालक 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए अपने समतल दर्पण में 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से पीछे आ रही कार का प्रतिबिंब देखता है। पीछे आ रही कार एवं उसके कार का आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे के पास जिस दर से आते हैं वह है। इसको सॉल्व करिएगा, इसका मैं राइट आंसर आप लोगों को बता दूं,
40 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, डी वाला, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन। 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अगर कोई 72 डिग्री का कोण बना हुआ है तो उसमें झुके हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका आंसर मैं बता दूं, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, 13 का डी हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन। एक मनुष्य समतल दर्पण से 30 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है, वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह वेग क्या होगा जिससे वो दूर भाग रहा है? अगर शीशे में देख रहे हैं तो वह वेग बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 मीटर प्रति सेकंड, दुगना, ठीक है, 6 मीटर प्रति सेकंड। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा? इसका आंसर मैं बता दूं, 15 का क्या हो जाएगा? ए वाला, 0 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा? कौन सा अक्षर है जिसका पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है? एम का जो है पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। एक और अगला देखते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई आपतित होती है, आपतित तथा प्रतिवर्तित किरण के बीच कोण होगा? 17 का आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, क्या हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। अगला देखते हैं इसको इरेज करके। कांच, 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूरा अपारदर्शी है, क्यों? अब जो कांच होता है वो पारदर्शी होता है लेकिन जो उसका चूरा होता है वो अपारदर्शी होता है, उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन कांच के आर पार देख सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ये कारण पूछा है, तो इसका कारण ये है कि चूरे पर पड़ने वाली प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाता है, ए वाला, चूरे पर पड़ने वाली प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाता है। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो लोग अभी तक चैनल पर बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप लोग चैनल पर सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो लोग नए हैं चैनल पर। अब 19 नंबर क्वेश्चन, पुराने उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, इतना विश्वास है। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास होती है, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, रिपीटेड है, इसका क्या हो जाएगा? 39,004 से 7800 ए तक एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है, 3900 से 7800 तक होती है। अब ये जो 39,004 आ गया ना, वो 4 की जगह ए होगा, ठीक है, यहाँ 4 वाला काट दीजिएगा, ए वाले ऑप्शन में 3900 से 7800 ए तक, ए का मतलब एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 19 का क्या हो गया? ए वाला हो गया। अगला देखते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है, अब आकाश नीला सबसे बड़ा कारण कि आकाश नीला क्यों दिखाता है, इसका कारण बताइए, आकाश जो है वो नीला क्यों दिखता है, ये कारण हमें बताना है, तो प्रकीर्ण के कारण आकाश नीला इसलिए दिखता है, प्रकीर्ण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश नीला दिखता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्ण के द्वारा। ये आपको आगे के पेपरों में काम आएगा ये क्वेश्चन, सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए नहीं, आगे भी कोई कई पेपर हों आपकी ज़िंदगी में आएंगे, सब में लगभग काम आ सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन। यदि दो समांतर दर्पण को समानांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या होगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होगी, ठीक है, अनंत होगी, याद रखिए ये सब चीजें, बहुत ध्यान से समझना है चीजों को। चलिए 21 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब देखेंगे? ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, सी वाला हो जाएगा, 5, ठीक है, सी वाला, सी वाला, थोड़ा सा एरो गलत लग गया, सी वाला समझ जाइएगा, ठीक है, 5 होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, किसमें होता है बताओ आंसर? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? 24 नंबर क्वेश्चन। संवेग परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? जल्दी कमेंट करिए, बल के बराबर होती है, ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा? डी वाला, बल के बराबर होती है। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। आकाश में ऊंची
आकाश में ऊंचाई पर उड़ती हुई चील को पृथ्वी से देखने पर वह दिखाई देगी। अगर आकाश में कोई चील उड़ रही है ऊपर से, अगर वो पृथ्वी को देखेगी तो वो क्या दिखाई देगी, ये चीज पूछ रहा है। तो इसके वास्तविक ऊंचाई से अधिक दिखाई देगी, जो उसकी वास्तविक ऊंचाई होगी उससे अधिक दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से जो लोग अभी तक चैनल पे बने हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। घर में और भी फोन होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है। थोड़ा सपोर्ट करिए ऐसे और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। अभी जब तक पॉलीटेक्निक की क्लास चल रही है, चल रही है, उसके बाद फिर 12th की फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर, वो भी अच्छे से। अच्छे से क्या है वो तो आप लोग बताएंगे कि अच्छे से पढ़ा रहे हैं क्या, ये सब चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे से पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। हर 2 दिन पे आप लोगों को शाम 7 बजे वीडियो मिल जाया करेगा पॉलिटेक्निक क्वेश्चन से रिलेटेड। आप लोग वीडियो देख लिया करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग अभी तक चैनल पे बने हुए हैं, वो लोग कुछ ना कुछ कमेंट करके ही जाइएगा चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।